Oh <laughs> अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और हो, आबाद होंगे तो आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ और साथ ही जो मैंने स्पेशल डिनर बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इस डिनर को जो है ना आप वाइट फूड डिनर भी बोल सकते हैं बहुत ही यमी और बहुत ही स्पेशल आज का डिनर है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो अच्छा लगे कोई भी चीज़ आपको वीडियो में अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना है मैं यहाँ पर हिमात को एप्पल कट करके दे रही हूँ क्योंकि हिमाद का ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं हिमात को कुछ खिला देती हूँ क्योंकि जो ज्यों है ना बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं ना तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अदरवाइज़ जो है ना वो वहीं पर सो जाते हैं अगर खा खाना खा कर चले जाते हैं ना तब तो बच्चे सो ही जाते हैं तो इसलिए जो है ना मैंने उनको यहाँ पर एप्पल कट करके दे दिया है तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा जोहेब को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ दो दिन पहले जो है ना मैंने उनको ऐसे स्लाइसेस दे दिए थे तो उनको अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह से जो है ना मैं जोहेब को खिला देती हूँ तो इस तरह से जो है ना मैंने मैश करके बच्चे को दे दिया था मतलब खिला दिया था तो उन्हें जो है ना अच्छे से खाने भी आया था और उन्हें अच्छा भी लगा था इसका टेस्ट तो चलिए जोहेब को खिलाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम फैशन अभी टाइम हो रहा है पाँच बज रहे हैं और मेरा जो काम है ना वो अब जाके कंप्लीट हुआ है तो मैं जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाने के लिए क्योंकि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई हुई यार काम कर कर के तो आप लोग सोच रहे हो कि सुबह से जो है ना अब मेरा काम कंप्लीट हुआ है यानी कि पाँच बजे तो इतना टाइम क्यों लगा तो आई डोंट नो मैं क्या काम कर रही थी सुबह से <laughs> जो बच्चे वाला घर होता है ना उसमें सच में ना काम बहुत ज़्यादा होता है काम तो खैर थोड़ा होता है लेकिन बच्चों को संभालने की जो जिम्मेदारी होती है ना वो बहुत बड़ी होती है एक जो है ना मुस्तक एक आदमी चाहिए ऐसे छोटे बच्चे को संभालने के लिए तो उस बच्चे को संभालते हुए मैं अपना काम कर रही हूँ तो मेरा टाइम जो है ना किधर निकल जाता ना मुझे पता नहीं चलता और मुझे ना ऐसा लग रहा है फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसे लग रहा है मेरे ना डार्क सर्कल्स हो गए हैं अभी तक जो है ना मुझे कभी डार्क सर्कल्स नहीं हुए लेकिन मैं दो तीन मार्तवर से ना ऑब्जर्व कर रही हूँ मुझे ना थोड़े से डार्क सर्कल हो गए हैं कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा तो चलिए हम पहले जो है ना चाय बनाकर पी लेते हैं उसके बाद सॉरी उसके बाद जो है ना मुझे भी खाना भी बनाना है तो पहले मैं चाय बनाऊंगी उसके बाद जो है ना मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करना है एक वीडियो की उसको मैं एडिट करके पोस्ट कर दूंगी उसके बाद जो है ना हम खाना बनाएंगे कुछ स्पेशल मैं बनाने वाली हूँ वो क्या बनाने वाली हूँ वो तो आपको आगे पता चलेगा तो चलिए सबसे पहले जो है ना हम चाय बना लेते हैं उसके बाद में आपसे मिलती हूँ एक वीडियो को एडिट करके पोस्ट करने के बाद ठीक है जब तक आप जो है ना पढ़ कीजिएगा ठीक है तो जी मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ एडिटिंग करने के लिए और एडिटिंग करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो वीडियो जो है ना आप लोगों को पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया था आठ बजे के करीब जो लास्ट वीडियो था वो मैंने अपलोड किया था क्योंकि वीडियो तो जो है ना जल्दी से मेरा हो गया था एडिटिंग करना क्योंकि मैंने पहले भी थोड़ा सा उसको कर कर रखा था उसके बाद मैंने थोड़ी सी उसकी वॉइस ओवर जो है ना शाम में कर ली थी तो उसके बाद जो है ना अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी सीख तो सीख बनाने के लिए जो है ना सबसे पहले मैं यहाँ पर कोतमीर और पुदीने को छाट रही हूँ और ये जो है ना फ्रेश रखा हुआ था तो मैंने इसको जो है ना नहीं छाटा था तो मैंने इसको तोड़कर नहीं रखा था तो अभी जो है ना मैं इसको वॉश करके यूज़ कर, कर लूँगी तो सबसे पहले हम सीख का मैनेशन रेडी करेंगे उसके लिए मैंने एक यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है और तीन से चार मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है और जो कोतमीर पुदीना मैंने तोड़ा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और जो चिकन था उसको मैंने वॉश करके रखा है और चिकन जो हमारा है वो है फाइव हंड्रेड ग्राम्स तो यहाँ पर जो है ना मैंने बोनलेस चिकन का यूज़ किया है तो अब हम चिकन को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे पहले जो हरा मसाला है उसमें मैं चिकन को ग्राइंड कर लूँगी उसके बाद मैं सिंपली चिकन को ग्राइंड करके उसमें मिक्स कर, उस कर दूँगी तो इससे मसाला जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये देखिए ये जो हरा मसाले के साथ चिकन था वो भी अच्छे से ग्राइंड हो गया है तो बचा हुआ चिकन है वो भी मैं इसी तरह से ग्राइंड कर लूँगी सारे चिकन को मैंने ग्राइंड कर लिया है अब मैंने यहाँ पर चार ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं इसको भी मैं ग्राइंड करके चिकन में ऐड कर दूँगी अगर आपके पास चॉपर है तो आप सारे मसाले को जो है ना एक साथ ऐड करके उसको अच्छे से चॉप कर सकते हैं चिकन के साथ में लेकिन मेरे पास चॉपर नहीं है इसलिए मुझे इस तरह से सारी चीज़ों को अलग अलग ग्राइंड कर कर मिक्स करना पड़ रहा है तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अभी थोड़ा सा चिकन जो है ना मैंने फिर से साइड में ले लिया है जार में तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ सूखे मसाले तो क्रश्ड जो रेड चिली है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ टी स्पून के करीब और वन टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है वन टी स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और नमक हमारा जाएगा ज़ायक़े के मुताबिक और साथ ही जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि वन टेबल स्पून होगा और टू टेबल स्पून के करीब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे और उन सब चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड करके फिर से मसाले में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने लास्ट में ज़ीरा पाउडर ऐड किया है तो चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से ग्राइंड हो गया है अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक जान हो जाए बिल्कुल भी टेस्ट इधर उधर ना हो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो चलिए हम इसको हाथों की मदद मतलब से अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है इसको भी हम मिक्स कर कर अभी हम इसको चारकोल का धुआं देंगे तो एक जो कोयला है वो मैंने अभी गर्म करने के लिए रख दिया है तो मेरे पास जो है ना फॉइल नहीं है फॉइल पेपर इसलिए जो है मैं एक जो स्टील की कटोरी आती है उसका मैं इस यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी तो ये देखिए कटोरी को जो है ना मैंने चिकन में रख दिया है जो मैंने खीमा बनाया था तो अब हमने यहाँ पर कोयला ऐड कर दिया है थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे उसके बाद हम इसको कवर कर कर रख देंगे ताकि जितना भी धुआँ कोयले से निकल रहा है वो चिकन में उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए तो इसको हम पंद्रह मिनट के लिए साइड में रख देंगे तो ये देखिए हमारा जो धुआँ था वो सारा निकल गया है अभी अब मैं इसको ढक कर के फ्रिज में रख दूंगी एक से दो घंटे के लिए या फिर आप तीन घंटे भी रख सकते हैं जितना आपके पास टाइम है आप उतना इसको रख सकते हो तो फ़िलहाल तो जो है ना मैं इसको एक घंटे के लिए रखूँगी तो यहाँ पर जो है ना अब मैं चावलों को ही भिगो कर रख दूँगी उसके बाद मेरी जो दूसरी तैयारी है वो मैं करूँगी क्योंकि मुझे आज मीठा भी बनाना है तो मैं जो है वाइट मलाई बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने फाइव हंड्रेड ग्राम्स के करीब चावल लिए हैं चिकन भी हमारा 500 हंड्रेड ग्राम्स है और चावल भी हमारे 500 हंड्रेड ग्राम्स ही हैं तो इसको मैं वॉश करके रख दूँगी दो से तीन पानी से हम इसको वॉश करेंगे तीन पानी से वॉश करके हम इसको रख देंगे क्योंकि मैं आज सीख बिरयानी बना रही हूँ तो सीख का जो मैरिनेशन है वो तो हमारा रेडी हो गया है तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है बिरयानी का मसाला तो वो रेडी हम कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है ना मैं वाइट चिकन मलाई सीख बिरयानी बना रही हूँ तो इसके लिए हमें वाइट क्रीमी मिक्सचर बनाना होता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप क्रीम लिया है और वन कप मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है तो यहाँ पर मैंने बीस बादाम को ग्राइंड कर लिया था वो हमने ऐड कर दिया है आप चाहे तो इसका छिलका भी निकाल सकते हैं लेकिन मैंने छिलके के साथ ही ऐड किया है और हाफ कप ही हम इसमें मेोनीस भी ऐड कर देंगे तो यहाँ पर मैंने म्योनीस को मेजर करके ऐड नहीं किया है बस ऐसे ही अंदाज़े से मैंने हाफ कप के करीब यहाँ पर म्योनीस को ऐड कर दिया है इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे go, go, say, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़ और चीज़ जो है ना मेरे पास ग्रेटेड नहीं था तो मैंने यहाँ पर स्लाइस का इस्तेमाल किया है आपके पास ग्रेटेड चीज़ है या फिर मोजरेला चीज़ है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसको कवर करके साइड में रख देंगे तो हमारा जो बिरयानी का मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी है बस थोड़ी चीज़ें हम लोगों को प्रिपेयर करना है वो हम बाद में करेंगे तो फिलहाल तो जो है ना अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ रसमलाई तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अमूल का टोंड मिल्क यूज़ किया है क्योंकि टोंड मिल्क से जो रसगुल्ले होते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है मिल्क तो टोंड मिल्क में जो है ना फैट बहुत कम होता है जिसकी वजह से रसगुल्ले हमारे अच्छे बनते हैं तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि टोंड मिल्क का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है डेढ़ लीटर के करीब तो दूध तो जो है ना हमारा बॉयल हो रहा है तो मैं यहाँ पर इसको छानने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हमें दूध को फाड़ना है उसके बाद हमें इसको इसमें छानना है तो दूध जो है ना हमारा बॉईल हो गया था तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है अब मैं यहाँ पर जो हमारा नींबू का मिक्सचर है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक बड़ा नींबू मैंने यहाँ पर काट कर यूज़ कर लिया है अब धीरे धीरे हम इसमें नींबू का जूस ऐड करेंगे ताकि जो हमारा दूध है वो फट जाए उसका छेना अलग हो जाए तो ये देखिए दूध हमारा जो है ना अच्छे से फट गया है छेना अलग हो गया है और पानी भी इसका अलग हो गया है अब मैं इसमें जो है ठंडा पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा छेना है वो सॉफ्ट रहे रबर की तरह उसमें इलास्टिसिटी ना आए रबड़ की तरह ना बने वो तो वो सॉफ़्ट रहे इसके लिए हम इसमें जो चिल्ड वाटर होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर मैं इसको अभी ड्रेन आउट कर लूँगी इसका जितना भी पानी है उसके बाद में इसको अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी स्क्वीज़ कर दूंगी तो हमें इसको अच्छे से वॉश करना है ताकि इसमें जितना भी खट्टापन है जितनी भी इसमें खटास है वो निकल जाए तो थोड़ा सा जो है ना इसमें टाइम लगता है लेकिन थोड़ा सा हमें पेशेंस की ज़रूरत है इसमें एक घंटे के अंदर जो है ना हमारे रसगुल्ले यानी कि रसमलाई बनकर रेडी हो जाती है लेकिन आपको जो है ना डिस्टरबेंस की ज़रूरत नहीं होती है इसमें अगर कोई डिस्टर्ब कर देना तो फिर हो गया काम तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसकी पोटली बनाकर इसको इस तरह से रख दी या है थोड़ा सा हम इस पर वजन रख देंगे तो भी वो जल्दी से उसका जितना भी पानी है एक्सेस वाटर वो निकल जाएगा अदरवाइज आप इसको पोटली बनाकर भी हैंग कर सकते हैं तो चलिए जब तक कि हमारा छेना अच्छे से रेडी होता है मैं यहाँ पर रसमलाई बनाने की तैयारी कर रही हूँ आधा लीटर जो है ना मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है अब मैं इसको बॉईल आने दूंगी तो उसके बाद जो है ना मैंने इसमें और थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था तो तकरीबन जो है ये सेवन हंड्रेड एम एल दूध है तो साथ ही जो है ना मैं यहाँ पर चाशनी भी बनाने की तैयारी कर रही हूँ डेढ़ लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है और चार सौ ग्राम के करीब मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगी और इसको हम बॉईल आने देंगे तो चलिए जब तक कि जो है ना चाशनी में बॉईल आता है और हमारी रसमलाई बनती है हम रसगुल्ले की भी तैयारी कर लेते हैं तो जो रसमलाई का दूध मैंने रखा था वो बॉईल हो गया है इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है बस हमें इसको सात से आठ मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाना होता है तो दूध हमारा बॉईल हो रहा है तो मैंने इसको लो कर दिया था लेकिन फिर भी ये बॉईल हो रहा था तो मैंने इसको बंद कर दिया है फ़िलहाल तो जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिया है इलायची पाउडर और हंड्रेड ग्राम्स के करीब मैंने इसमें शक्कर ऐड किया है और शक्कर इसमें परफेक्ट है बिल्कुल दूसरी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है तो मैंने यहाँ पर इसमें जो बादाम थे वो मैंने ऐड कर दिया है अब मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पर सात से आठ मिनट के लिए पकाऊंगी तो हमारी रसमलाई ई रेडी हो जाएगी तो मैं उसको ऑफ़ करके रख दूँगी तो हमारी जब तक की रसमलाई रेडी हो रही है चाशनी हमारी बॉयल हो रही है तो मैं यहाँ पर अभी रसगुल्ले बना रही हूँ तो जो हमारा छेना है उसमें का सारा पानी अभी स्क्वीज़ आउट मैंने कर लिया है सारा पानी निकल गया है अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी अच्छे से मैं इसको गूँध लूँगी और इसके रसगुल्ले में तैयार करूँगी तो हथेली की मदद मतलब से जो है ना इस तरह से प्रेस करते हुए हम छेना को गूंद लेंगे और इसको हमें तब तक इस तरह से करना है जब तक कि आपकी हथेलियों पर जो है ना ऑयल नहीं आ जाता तो कभी कभार जो है ना थोड़ा सा पतला भी हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको जो है ना थोड़ा सा हथेली पर ऑयल लगाना है उसके बाद अपने जो रसगुल्ले हैं वो रेडी कर लेना है तो कभी कभार जो है ना दूध की कमी की वजह से भी ये हो सकता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि रसगुल्ले फट जाएंगे तो रसगुल्ले जो है ना अच्छे से बनी जाएंगे पहले तो मैंने सोचा था कि जो अंगूरी रसमलाई होती है ना वो मैं बनाऊंगी लेकिन जो वह जो है ना बहुत सता रहे थे तो अभी मैंने सोचा कि चलो फटाफट जो है ना मैं बड़े वाले रसगुल्ले बना लेती हूँ तो बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है हम जो सोचते हैं ना वो नहीं होता है तो मुझे जो है ना जो छोटी छोटी रसमलाई आती है ना अंगूरी रसमलाई वो ज़्यादा पसंद है ये जो बड़ी वाली होती है वो उतनी ख़ास पसंद नहीं है तो ये देखिए हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बन गए हैं और जो हमारी चाशनी है वो भी बॉयल हो रही है तो यहाँ पर मैंने सारे रसगुल्ले ऐड कर दिए हैं लेकिन वो जो क्लिप है वो मिस हो गई थी तो जैसे ही हमारा पानी बॉयल होता है ना तभी हमें इसको ऐड करना है अच्छे से बॉईल आने देना है पानी में जब पानी बॉईल होता हो तभी हमें इसमें रसगुल्लों को एक एक करके सारे रसगुल्ले ऐड कर देना है अब मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पर करके पंद्रह से पंद्रह मिनट तक पकाऊंगी और इसको जो है ना बीच बीच में हम चेक भी करेंगे और थोड़ा सा हम इसको कवर कर देंगे अगर आपको लगे कि कवर नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते और ये देखिए बीच में जो है ना हम इसको थोड़ा सा फ्लिप भी कर देंगे ताकि जो रसगुल्ले हैं हमारे दोनों तरह से दोनों तरफ से कुक हो जाए सॉरी तो ये देखिए हमारे जो रसगुल्ले हैं वो अभी हाफ कुक हो गए हैं और हाफ़ जो है वो अभी कुक होना बाकी है तो इसको अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसी तरह से जो है ना हम मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएँगे तो ये देखिए रसगुल्ले हमारे पक गए हैं और जब रसगुल्ले पकते हैं ना तो वो नीचे चले जाते हैं तो आप देख रहे हो रसगुल्ले जो है ना अभी ऊपर से थोड़े से नीचे हो गए हैं तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको दस मिनट रेस्ट करने के लिए रखा था उसके बाद मैंने यहाँ पर जो चिल्ड वाटर है वो ले लिया है उसमें मैंने चाशनी ऐड किया है ताकि जो हमारी चाशनी है वो ठंडी हो जाए और साथ ही जो है ना सारे रसगुल्ले मैं निकाल कर रख लूँगी ताकि जो रसगुल्ले हैं वो अभी सॉफ्ट हैं तो आगे जाकर कड़क ना हो इसलिए हम चाशनी को अभी ठंडा होने दे रहे हैं तो इसको मैं रख दूँगी जब तक कि और ठंडे नहीं हो जाते उसके बाद हम इसको रस मलाई में ऐड कर देंगे तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो ठंडे हो गए हैं रस मलाई को भी जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिया था तो अभी जो है ना मैं रस मलाई में ऐड कर रही हूँ जो रसगुल्ले हैं उसको तो रसगुल्लों का जो पानी है वो हम स्क्वीज़ कर लेंगे उसके बाद हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आप जो है ना हथेली की मदद से भी इसको स्क्वीज़ करके ऐड कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ तो इसको स्क्वीज करना ज़रूरी है अदरवाइज़ जो हमारा दूध है वो रसमलाई में नहीं जाएगा जब आप रसमलाई खाओगे ना तो आपको अंदर से चाशनी मिलेगी तो सारे रसगुल्लों को हम इसी तरह से स्क्वीज करके ऐड कर देंगे उसके बाद हम इसको ऊपर से गार्निश कर लेंगे पिस्ता और बादाम से मेरे पास पिस्ता नहीं है तो मैं सिर्फ यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहो तो दूध में केसर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं वाइट वाली बना रही थी तो इसलिए जो है ना मैंने इसमें केसर ऐड नहीं किया है तो चलिए इसको जो है ना मैं और फिर से जो है ना फ्रिज में रख दूँगी ताकि और थोड़ी सी ठंडी हो जाए क्योंकि ठंडी खाने में ही मज़ा आता है तो चली रसमलाई तो जो ना मैंने फ्रिज में रख दिया है अभी मैं यहाँ पर तैयारी तो कर रही हूँ बिरयानी का मसाला बनाने के लिए तो मैंने यहाँ पर तीन मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं सॉरी छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं और मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है तो एक प्याज़ तो जो है ना मैं ब्राउन करके बिरयानी को बिरयानी के ऊपर से डालूंगी और जो तीन प्याज है वो हमारी बिरयानी में अंदर जाएँगे और मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और उसको मैंने इस तरह से काट करके फ्राई कर लिया है और इसी पैन में जो है न हमारा जो बिरयानी का मसाला है वो बनेगा तो मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जैसे कि दो तेज़पत्ता मैंने यहाँ पर लिया है चार से पांच लौंग लिए हैं और दो इलायची मैंने इसमें लिए हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें शाही ज़ीरा लिया है वो मैंने ऑयल में ऐड कर दिया है उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इसको हम क्रैकल होने देंगे उसके बाद हम इसमें प्याज़ ऐड कर देंगे जो मैंने तीन मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है उसको मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए हमारी जो प्याज़ है वो ट्रांसलूसेंट हो गई है अब मैं इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड उसके बाद हम इसको फिर से फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारी प्याज का कलर है वो और थोड़ा सा चेंज हो जाए तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है चार से पाँच हरी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है जितना आपको तीखा पसंद है आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर जो है ना चार हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है उसको मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है उसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे जैसे कि वन टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा वन टी इसमें जीरा पाउडर हाफ टी स्पून गर्म मसाला और हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली पाउडर ऐड तो कर दिया है इन सब मसालों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें जो टमाटर की प्यूरी मैंने बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है तो टमाटर की प्यूरी को जो है ना मैंने सिंपली ग्राइंडर में पीस कर अदरक लहसन में मैंने इसको पका लिया है जब तक कि इसका ऑयल अलग अलग नहीं हो जाता सेपरेट नहीं हो जाता उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था और ऊपर से मैंने इसमें नमक ऐड किया है नमक हमें इसमें थोड़ा सा कम ऐड करना है क्योंकि जो हमने क्रीमी मिक्सचर बनाया है शायद उसमें नमक हो सकता है उसमें मेयोनीज है और चीज़ है इसलिए तो नमक तो जो है ना हम बाद में भी ऐड ड कर देंगे देख करके तो यहां पर मैंने दही ऐड कर दिया है इसके लिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया था अदरवाइज जो हमारा दही है वो फट जाता तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम फिर से गैस को ऑन कर देंगे तो यहां पर हम ऐड कर देंगे ए, क्रीमी मिक्सचर तो दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा हम पकाएंगे उसके बाद ये जो क्रीमी मिक्सचर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्रीमी मिक्सचर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बॉइल हम इसमें आने देंगे उसके बाद हम इसमें हाफ ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे उसके बाद उसमें भी बॉइल आने देंगे उसके बाद हम इसको सात से आठ मिनट के लिए लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारी ग्रेवी है इस तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती तो हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा चिकन स्टॉक डाला है ताकि उसमें टेस्ट आ जाए तो इसी तरह से जो है ना हम ग्रेवी को कुक कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा कर देंगे तो हमारी जो ग्रेवी है वो बन करके रेडी हो गई है तो मैं यहाँ पर अभी सीख बना रही हूँ तो यही हमारा लास्ट स्टेप है उसके बाद हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ पर मैं पहले बॉल बॉल्स बना कर रख रही हूँ ताकि जो सीख का शेप है वो एक शेप में आए अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि एक सीख बड़ी और एक सीख छोटी हो जाएगी तो मुझे सारे सीख्स का जो शेप है वो बराबर चाहिए और साइज़ बराबर चाहिए तो इसी तरह से जो है ना मैं सारे बॉल्स बनाकर रख लूँगी उसके बाद मैं एक पेंसिल की मदद से यहाँ पर सीख बनाऊँगी तो सीख बनाने से पहले जो है ना आप अपने हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए उसके बाद सीख आपके अच्छे से बनेंगे और बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो बनेंगे भी अच्छे से और निकलेंगे भी अच्छे से तो इसी सिंपली जो है ना हमें बॉल्स को पेंसिल पर रखना है उसके बाद इस तरह से प्रेस करते हुए हमें उसको नीचे की तरफ दबाना है ताकि जो हमारा सीख है वो सारे शेप उनके अच्छे से बने और साइज भी अच्छे से परफेक्ट आ जाए तो इसी तरह से जो है ना हम उसको निकाल लेंगे तो आपको जो है ना देखकर समझ में आ रहा होगा शायद से जो है ना मेरे बोलने में प्रोनाउंसेशन में मेरी थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है क्योंकि जो वीडियो है ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है इसलिए तो ये देखिए सारे सीख जो है ना हमारे इसी तरह से हम बनाकर इनको हम फ्राई कर लेंगे पर एक पैन मैंने गर्म कर लिया है थोड़ा सा मैंने उसमें ऑयल ऐड किया है और सारे सीख को जो है ना इस तरह से इस पर रख कर के फ्राई कर लेंगे आप चाहे तो इसको माइक्रोवेव में भी ग्रिल कर सकते हैं लेकिन मुझे आप लोगों को बताना था तो इसलिए मैं यहाँ पर पैन में कर रही हूँ और जो हमारी ग्रेवी थी वो भी मैंने उसको लो करके रखा है और जो मैंने सीख का मैरिनेशन बनाया है वो बहुत ही परफेक्ट है उसका मेजरमेंट बहुत परफेक्ट है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सीख बनते हैं अगर आप बिरयानी नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह से जो है ना सीख को बनाकर फ्राई करके खा सकते हैं तो ये बाहर से भी ज़्यादा अच्छे आपको चिकन के सीख मिलेंगे तो मुझे तो इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत दिनों के बाद मैंने बनाया है तकरीबन जो है ना सात आठ महीने हो गए हैं मैंने रमज़ान में बनाया था उसके बाद मैंने नहीं बनाया है तो चलिए इसी तरह से जो है ना हम सारे सीख को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी बिरयानी की लेयरिंग करेंगे तो ये देखिए हमारे जो चावल हैं वो नाइन्टी परसेंट कुक हो गए हैं इसका पानी मैं निकाल लूँगी तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल ऐड किए हैं उसके बाद जो हमने ग्रेवी बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे उसके बाद जो हमारी सीख की लेयरिंग है वो सारे हम सीख को इसी में ऐड कर देंगे आप चाहे तो थोड़े निकाल कर रख भी सकते हैं अलग से खाने के लिए क्योंकि मैंने हिमांत को जो है ऐसे ही निकाल कर दे दिया था तो उन्हें बहुत अच्छे लग रहे थे तो ये देखिए सारी जो ग्रेवी है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो ग्रेवी की जो थिकनेस है आपको इतनी ही रखना है बिल्कुल परफेक्ट है ये ग्रेवी की थिकनेस तो सारे जो है ना सीख को मैं इस पर डाल दूँगी उसके बाद जो हमने आलू को फ्राई किया है पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़ हमारे तो वो हम इसी में ऐड कर देंगे उसके बाद जो हमारे चावल बचे हुए हैं उसको हम इसी पर डाल देंगे चावल डालने के बाद ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें ऑयल या फिर घी डाल देंगे और थोड़ी सी कोतमीर और हम जो प्याज को ब्राउन हमने कर कर रख लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे उसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे पंद्रह मिनट के लिए लो फ्लेम पर तो चावल तो जो है ना हमारे अच्छे से कुक हैं चिकन भी कुक है तो इसको हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने के लिए तो चलिए पंद्रह मिनट में जो है ना हमारी जो बिरयानी है वो रेडी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सैलेड की भी तैयारी कर रही हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है हमारा बिरयानी बनते बनते और मीठा बनते बनते तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो बस इतना ही है आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा अगर आपको इसमें की थोड़ी भी कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ मैं आपको आखिर में दिखा दूँगी बिरयानी का लुक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय